बिसमिल्ल आरमीमकुम इजी लर्न में खुश आमदी आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले ये वो थ्योरम है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसमें ये बताया जाता है कि अगर आपके पास एक एंगल हो जैसा कि ए बी इसमें अगर आप कोई एंगल बाइसे्टर ड्रा करते हैं ओ एम उससे ये होता है कि उसके ऊपर जो पॉइंट आप लेंगे वो पॉइंट अपने आर्म्स से इक्वल डिस्टेंस रखता है और अगर आपको हमने एक और थ्यूरे में यह देखा इसके कन्वर्स थ्योरम में अगर आपको मैं ये बता दूं कि ए ओ बी में कोई पॉइंट अपने आर्म से इक्वल डिस्टेंस रखता है इट मींस के वो अपने राइट right, अपने बाइसेकटर के ऊपर पॉइंट है उसके बाई के ऊपर वो पॉइंट एक्चुअली बेस्ड करता है यानी कि अगर आप उसको मिला के देख लें ओ पी को तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है यानी कि ए ओ पी मस्ट बी इक्वल्स टू बी ओ पी अंडरस्टैंड ये हमारे पास अब एक्सरसाइज आ चुकी है ठीक है इस एक्सरसाइज़ में टोटल फोर क्वेश्चंस हैं मैं कोशिश करूँगा अगर टेन मिनट्स के अंदर ये अपिसोड कम्प्लीट आ, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है तैन तो मैं तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चला जाऊँगा अगर नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट कर लेंगे और हो सकता है मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दे हूँ थोड़ा बहुत ज़रा स्पीड से करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं आपके पास सिचुएशन ये है कि एक कोआर्डीलेटरल दी गई है ठीक है कॉर्डिलेटरल का मतलब क्या होता है कि कोई भी चार कोनों वाली शेप हो सकती है जिसमें चार साइड्स और चार कॉर्नर्स होंगे और उसका नाम यहाँ पर उसी हिसाब से रखेंगे जिस तरह इसने कहा ए सी डी पहली चीज़ तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि जो साइड ए बी होगी वो बी सी के बराबर होगी ठीक है ये उसने खुद से बता दिया कि ए बी और बी सी कांगो है ठीक है एंड द राइट बाई सेक्टर ऑफ ए डी जो ए डी का राइट बाई सेक्टर होगा ठीक है और राइट बाई सेक्टर ऑफ ए डी सी डी मी चम वो दो एक दूसरे से मिलेंगे किस पॉइंट पे वो पॉइंट का नाम होगा एन अः तो पहली चीज़ तो यहाँ पर ये यह आ जाएगी कि आपने एन को बी से मिलाना है ठीक है तो जो लाइन बी एन होगी उसको हमने प्रूव करना है कि वो एक्चुअली एट द एंड वो बाई सेक्टर है बी सी का एंगल का इस तरह तो कुछ समझ नहीं आ रही जब तक हम इसको ड्रा नहीं कर लेते तो सबसे पहली मैं इसको लाइन की कमांड सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आटो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि हम लोग सारे क्वेश्चंस ऑटो कैड में करेंगे और अगर आप लोगों को कोई चीज़ यहाँ पर मतलब ज़्यादा क्लियर होती है यहाँ पर हर चीज़ आप लोगों को क्योंकि ओपन करके रख दी जाती है लेकिन इन अगर आप लोगों को, को आप लोगों को कोई चीज़ जिसकी समझ ना आए या आप लोगों को ये चीज़ समझना है कि वो हम लोगों ने वो कैसे लिखनी है स्टेटमेंट्स या रीजंस तो आप लोग सिंपल उसका क्या कर सकते हैं कि मुझसे आप लोग फेसबुक पे पूछ सकते हैं तो मैं इवन आप लोगों को वो मतलब सारी स्टेटमेंट्स और जो इसकी रीजंस होंगी वो आप लोगों को वैसे ही प्रोवाइड कर दूँगा तो उसको नोट ना किया करें उसको समझ लें पहले बात को तो स्टेटमेंट्स और जो हैं एग्जैक्ट वह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा फ़ेसबुक पर नोट्स uh, में से ठीक है तो उसको लिखने ना बैठा करें लकीर के फ़कीर ना बनेगा बस आप लोग चीज़ को समझ लें लिखने वाला काम जो है मैं ऐसे आपको पिक्चर की फॉर्म में दे दूंगा वैसे साथ बोलता भी रहूँगा ठीक है अच्छा सबसे पहले तो ये मेरे पास मैं पॉइंट ए और बी मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया तो उसने कहा एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे तो सबसे पहले ए बी जो एक लाइन सेगमेंट है वो कांगुरेंट है बी सी के यानी कि ये पॉइंट बी है इससे नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होगा बी सी सी पॉइंट होगा तो ये जो है ये कांगुरेंट है इसका मतलब अगर मैंने उसकी लेंथ जो ली है वो मेरे ख्याल से मैंने सिक्स आई गेस ली थी हाँ तो सिक्स की लूँगा uh, मैं इसे सिक्स कह देता हूँ और uh, six, ये भी मैंने सिक्स की ड्रा कर ली है चेक कर लूँ ठीक है सिक्स की है एंगल जो मर्जी रख लें एंगल की कोई पाबंदी नहीं है बाद में जस्ट ये करना है कि आपने इस पॉइंट के बिल्कुल सांबर uh, आके इसको ले आए लाइक यू नो दिस वे एंड जस्ट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आप जिस तरह मर्ज़ी करें तो ये एक आपके सामने है। ठीक है एक मैंने कॉर्डिलेटर बनाएंगे इसको अगर आप कहें तो मैं फ़ौरन से इसको इसका एक नाम रख लेते हैं ठीक है ये पॉइंट आपके पास ए आ गया इसी तरह ये पॉइंट बी आ गया और इसी तरह आपके पास यहाँ पर ये पॉइंट सी आ गया और लास्टली ये जो पॉइंट है ये आपके पास डी आ गया ए बी सी डी क्या आपके पास है एक आ, क्वाड्रीलेटरल है तो सबसे पहली चीज़ जो गिवन है वो मैंने बोल दी कि ए बी सी डी इज़ ए क्वाड्रिलेटरल सेकेंड पॉइंट बना लें गिवन में गिवन के सेक्शन में कि ए बी इज़ कांगट विद बी सी इस चीज़ को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर लाऊँगा करसर तो ये आप लोगों को सब कुछ बता देगा ये देख सकते हैं कि आप लोगों के पास दोनों ए बी की लेंथ भी सिक्स सेंटीमीटर है और बी और सी की लेंथ भी सिक्स सेंटीमीटर है ठीक है तो हम अभी इस चीज़ को बस छोड़ रहे हैं और ये गिवन में था इसलिए आप लोगों को चेक भी करवा दिया नेक्स्ट तीसरा पॉइंट नोट करें पी एन जो है वो अभी हम बनाने लगे हैं तो वो पॉइंट है मैं पहले बोल रहा हूँ पी एन इज़ ए राइट बाई सेक्टर ऑफ ए डी ए डी का जो राइट बाई सेक्टर है गिवन आपको चीज़ तो इसी हिसाब से मैं भी राइट बाई सेक्टर बनाऊँगा मैं कोशिश करता हूँ कि कोई डिफरेंट कलर चूज़ कर लूँ ताकि अब जब हम राइट बाई सेक्टर करेंगे तो उसके लिए हम लोग कोई और कलर ये देखें ये आपके पास एक मिड पॉइंट राइट बाई से बाई सेक्टर का मतलब होता है कि मिड पॉइंट राइट का मतलब कि एंगल बिल्कुल 90 के साथ आप जाएँ तो अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसका एंगल 90 में यहाँ पर एक रैंडमली सिलेक्ट कर लेता हूँ वैसे इसको चेक भी करना पड़ेगा क्योंकि अभी अगर मैं इस लाइन को और इस लाइन को चेक करता हूँ तो आप चेक कर सकते हैं ऐसे नहीं बता रहा तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से एंगल में जाएंगे और इसका एंगल भी आप देखेंगे कि 90 होना चाहिए और ये है सो दिस इज़ गुड ये चीज़ अच्छी है कि हम आम जो चाह रहे हैं वो चीज़ बन रही है खैर इसको भी रिमूव रिमूव कर रहे हैं तो अब हम हमारे पास अभी जो अच्छी सिचुएशन आई है उसको नोट कर लें ये आपका गिवन है थर्ड पॉइंट दोबारा रिपीट करूँगा डोंट वरी हमने ये कि, आ, किया क्या है कि हमने एक जो ए डी हमारे पास लाइन सेगमेंट थी इस पर एक बाई सेक्टर ड्रा किया है और इसका जो नाम है दैट इज़ पी और ये जिस पॉइंट पे जाके आके इससे मिलेगा दूसरे बाई सेक्टर से उसका नाम हम एन रखेंगे लेकिन अभी वो चेक कर लें पहले तो एक और बाई सेक्टर इसका मतलब ड्रा करना पड़ेगा जो कि इसका होगा और यहाँ पे आके हम इसको छोड़ देते हैं ठीक है अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो जब मैंने ये वाला बाई सेक्टर ड्रा किया है तो यहाँ पर आके मिल रहे हैं तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं आपकी बनी रहेंगी लेकिन मैं यहाँ पर क्लियर थोड़ा सा करने के लिए सिचुएशन को मैं ये एक्स्ट्रा लाइंस को ट्रिम कर रहा हूँ ताकि सिचुएशन ज़रा साफ़ नजर आए क्लियर नज़र आए ठीक है आपको इसकी रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है ठीक हो गया अच्छा अब इस पॉइंट का जो नाम रखना है वो उसने मैं ख़ुद से सजेस्ट किया है और वो ये है जनाब आप एन रखते हैं कहता है तो ये जो है यहाँ पर मैं कर रहा हूँ थोड़ा करीब इसके थोड़ा सा इसको यहाँ पर ले आते हैं अगर ये आना चाहे तो नहीं आना चाह रहा तो रहने देते हैं यहाँ पर ठीक है सबसे पहली चीज़ तो ये आपका गिवन का थर्ड पॉइंट नोट करें थर्ड पॉइंट कि पी एन इज़ ए राइट बाई सेक्टर ऑन ए डी ठीक है और ये भी राइट बाई सेक्टर होना चाहिए लेकिन इसको भी हम अगेन वेरीफाई कर लेते हैं ताकि ये ना बाद में अगेन नाइन्टी है सो so जस्ट हम इसको क्या करते हैं कि रिमूव कर देते हैं ऑल राइट right, अब हम लोग इस पॉइंट का भी एक नाम रख लेते हैं इस पॉइंट का नाम क्या है ये आपके आपका फोर्थ पॉइंट आ गया ठीक है फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि ड्रॉ फोर्थ uh, पॉइंट ये कह रहा है कि क्यू एन ये जो लाइन लाइन है इज़ अ राइट बाई सेक्टर ऑफ द डी सी ठीक है या सी डी सी डी कह लें नाओ चौथे पॉइंट में ही आप एक चीज़ लिख सकते हैं विच इज़ कि पी एन आपके पास जो लाइन सेगमेंट ये वाला पी एन है एंड द अदर लाइन सेगमेंट विच इज़ क्यू एन ये वाला लाइन सेगमेंट ये जो दो लाइन सेगमेंट हैं एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं किस पॉइंट पे एन पे दिस इज़ पॉइंट एन ठीक है नाउ हम लोग इसको चेंज करते हैं और ये एक और कलर लेते हैं अब ये कंस्ट्रक्ट, नहीं 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 ये कंस्ट्रक्शन का हिस्सा नहीं है सो मैं इसको वापस कर रहा हूँ मुझे याद नहीं रहा दिस इज़ नॉट अ कंस्ट्रक्शन सो अभी एन को जो है वो ज्वाइन करने लगे हैं बी के साथ ठीक है मैं एन को बी के साथ ज्वाइन करने लगा हूँ मुझे एक सेकेंड लाइन सेगमेंट में आपकी स्टेटमेंट देख रहा था अच्छा ये ये जो है ये गिवन है ये सारी चीज़ें जो है वो गिवन है ये फाइनल आपका पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट गिवन का कि जॉइन पॉइंट एन टू पॉइंट बी अच्छा अब आप एक बार अगर चाहें तो अपनी स्टेटमेंट को साथ किताब को रखें मैं आपकी स्टेटमेंट कहाँ से देख के पढ़ता हूँ तो उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या वो सारी सिचुएशन जो आपकी बुक में लिखी हुई है वही चीज़ यहाँ पे बन चुकी है या नहीं ठीक है तो ज़रा नोट करते जाइएगा कि आपके पास एक क्वाडरी uh, लेटरल है ए बी सी और ये डी दिस इज़ अ गिवन क्वाड्रीलेटरल इसकी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से हैं इन्हें क्वाड्रीलेटरल ए बी सी डी के ए बी लाइन सेगमेंट इज कॉन्गोनेट विद द लाइन सेगमेंट बी सी ठीक हो गया ये हमने बना दी एंड द राइट बाई सेक्टर ऑफ द ए डी ये ए डी का राइट बाई सेक्टर एंड बाई सेक्टर राइट बाई सेक्टर ऑफ सी डी सी डी का बाई सेक्टर भी ड्रा हो गया ये मीट इच अदर एट पॉइंट एन तो एन पॉइंट भी आ गया एंड आप एन को फिर क्या करते हैं फाइनली किस्से में ला देते हैं कि आप बी को एन से और हमने ये प्रूव क्या करना है ये जो अच्छा ये सारा गिवन हो गया अब आते हैं कि प्रूव क्या करना है या रिक्वायर्ड क्या है अब आपने रिक्वायर्ड में लिखना है बी एन ये जो आपके पास एक लाइन सेगमेंट बना है इज़ अ राइट बाई सेक्टर ऑफ एक्चुअली दिस एंगल ठीक है ये आपने प्रूव करना है कि ये इस एंगल का राइट बाई सेक्टर अपने नॉलेज को यूज़ करते हुए और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम अच्छा आपने लिखना कैसे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बी एन दिस लाइन सेगमेंट इज़ अ राइट बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी ठीक है सो अगर हम यहाँ पर इन एंगल के नाम रख लें तो हमें नाम लेने में आसानी थोड़ी सी हो जाएगी तो ऐसा ही करते हैं बिल्कुल कि हम इसको नाम दे देते हैं लेट्स कि ये हमारे पास वन है और लेट्स कि ये हमारे पास टू है थोड़ा सा इनको करीब में ले आते हैं ताकि यहाँ पर ज़रा ये अच्छे लगें इसको भी ठीक है एंगल वन और एंगल टू क्या है ये आपके वो एंगल्स हैं जिनको हमने कांगुरेंट प्रूव करना है एट द एंड याद रखिएगा से या आपने गिवन रिक्वायर्ड में लिखना है ठीक है कंस्ट्रक्शन अब हम आते हैं छोटी सी कंस्ट्रक्शन होगी और उसके लिए मैं साथ ही कलर्स इसलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि हम लोगों को अंदाज़ा होता जाए हम लोग कर गए हैं अब कंस्ट्रक्शन में आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन आपकी ये है कि आप ये जो पॉइंट एन है इसको एक छोटा सा काम करते हैं कि इस पॉइंट को पकड़ें और इस पॉइंट को ए डी ए से और इसी पॉइंट को अगेन पकड़ें और इस पॉइंट को डी से मिला दें और इसी पॉइंट को अगेन पकड़ें और सी से मिला दें ठीक हो गया ये मैंने कंस्ट्रक्शन की है कंस्ट्रक्शन दोबारा से सुन लें क्या लिखेंगे जॉइंट पॉइंट एन टू ए डी एंड सी ठीक हो गया अब बारी आती है आप प्रूव करें विद दी हेल्प ऑफ स्टेटमेंट्स एंड सम वैलिड रीजंस सो सबसे पहली स्टेटमेंट यहाँ पर जो आने लगी है वो ये है कि आप यहाँ पर क्लियरली नोट कर सकते हैं कि जो लाइन सेगमेंट है एन ए ठीक हो गया इस कॉन्गोरेट विद दी एन डी अच्छा इसकी रीज़न कोई मुझे बता दे तो मैं बहुत खुश हूँ कि किसी ने मुझे एटलीस्ट रीज़न्स तो बनाई। तो रीजन्स बताने के लिए मैं अगर इसको थोड़ा सा यूँ इसको रोटेट करवाने की कोशिश करता हूँ अगर मैं करवा पाऊँ तो आई गेस के uh, हो चुका है ठीक है ठीक है अच्छा अब आप इस इस पिक्चर को देख सकते हैं थोड़ा अंदर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा क्या इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है इसमें आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियरली नज़र आ रही है वो ये कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट थी जो भी थी वाट है इट इज़ आपने उसके ऊपर क्या किया एक राइट बाई सेक्टर को ड्रा किया हुआ है ऐसा ही है आपको ये थ्योरम पढ़ाया है कि अगर किसी एक राइट बाई सेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट हो ये पॉइंट है ना उसके ऊपर तो वो अगर इक्वल मतलब एंड पॉइंट से उसको मिलाया जाए तो वो डिस्टेंस बराबर रखता है सो दिस इज़ अ थ्योरम सो इस हिसाब से आपकी ये लाइन और ये लाइन क्योंकि राइट बाई सेक्टर पर वाक्य है ये पॉइंट एन तो ये इसके एंड पॉइंट से लाइन के इक्वल डिस्टेंस रखना चाहिए तो वो थ्योरम के मुताबिक हम इसको क्या कहेंगे इसकी रीज़न क्या होगी बिकॉज एन तो पहली स्टेटमेंट दोबारा से रिपीट करता हूँ एन एन लाइन सेगमेंट एन इज कंगट विद लाइन सेगमेंट एन डी अगर आप इसको चेक करें तो वाकई ये है, है ये नीचे देखें लेंस आ रही हैं फोर पॉइंट एट वन सिक्स थ्री एंड फोर पॉइंट एट वन सेवन सिक्स थोड़ा बहुत फ़र्क है वो मैटर नहीं करता फोर पॉइंट एट ही है ना दोनों तो आप देख सकते हैं ठीक है तो यहाँ से पहली आपकी स्टेटमेंट आ गई और इसको आप वन का नाम दे सकते हैं ठीक हो गया और एन इसकी रीज़न सुन लें एन लाइज ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ द ए डी मैं इसको अगर दोबारा से इसको रीसेट करवा दूँ ठीक हो गया रीसेट कर दिया अच्छा जी अब हम इसके बाद क्या करने लगे हैं नेक्स्ट uh, स्टेटमेंट सुन लें इसी तरीके से इसी तरीके से आप लोग uh, uh, क्या कहेंगे कि जैसे ये का है ज़रा इसको फिर से हम थोड़ा सा रोटेट करवा देते हैं ताकि uh, ये देखें अच्छा ये ज़्यादा मज़े का काम हो गया हाँ uh, अब आप ज़रा सुने अब आप कह सकते हैं कि एन सी एंड एन डी यानी कि एन डी इज कांगुर विद एन सी या एन सी इज कांग्रेन विद एन डी जो मर्जी कह लें और अगेन वही रीज़न इस बार सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है कि ये एक लाइन थी और इस लाइन ये एक लाइन है नीचे वाली दिस इज़ योर डी सी या सी डी ठीक है इस लाइन का आपने एक राइट बाई सेक्टर ड्रा किया हुआ है क्यू एन ऐसा ही है यह देखें आपके पास एक लाइन है और एक आपने राइट बाई सेक्टर ड्राया किया उस राइट बाई सेक्टर पर आपके पास एक पॉइंट एन है एन पॉइंट को जब आप इसके एंड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे इट मस्ट हैव इक्वल लेंथ इक्वल डिस्टेंस अगेन वही थ्यूरम हम लोगों ने जो पहले डिस्कस किया और आप यहाँ पर अगेन देख सकते हैं कि दोनों लाइन सेगमेंट्स यानी कि एन डी की लेंथ कितनी है फोर पॉइंट एट वन सेवन सिक्स जबकि एन सी की लेंथ जो है वो फोर पॉइंट एट टू है जो कि तकरीबन फोर पॉइंट एट ही है तो इसलिए हम दोनों को इक्वल uh, मान रहे हैं थोड़ा बहुत जो आप देख रहे हैं वो एक्यूरेसी में फ़र्क क्यों आ रहा है उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि चूँकि ये मैंने इतनी एक्यूरेटली नहीं ड्रा की इतनी जूम करके इसको नहीं मैंने लिया हुआ एग्जैक्टली लेंथस नहीं दी थी इसको तो थोड़ा बहुत जैसे कि अगर आप एक्स्ट्रा इसको ज़ूम करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि समटाइम थोड़ा बहुत यहाँ से कॉर्नर से किसी ना किसी कॉर्नर से थोड़ा बहुत ना फ़र्क निकल आएगा जैसे ये देखें ये देखें ना मेरे से एग्जैक्ट exactly नहीं ड्रा हुई जूम करके अगर आप देखेंगे तो ये देखें कितना फ़र्क है इस वजह से पॉइंट्स में डिफरेंस आ रहा है बट हम इसको आइडियल ही मान रहे हैं ठीक है डोंट वरी कि कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ठीक हो गया अच्छा अच्छा जी अब हम अगेन वापस आते हैं तो घबराना नहीं है जो चीज़ आप समझ रहे हैं कि ये गलत है शायद कि मैं फ़र्क क्यों आ रहा है रीडिंग्स में वो भी बताया आपको अच्छा जी पहली स्टेटमेंट क्या थी कि एन इज़ कॉन्गोरेट विद एन डी नाव द सेकंड स्टेटमेंट इज़ एन डी इज़ कॉन्गोरेट विद एन सी ठीक है तो आप पहले आपने ये कहा कि एन डी इज़ कॉन्गोरेट विद दिस लाइन नाउ यू आर सेन एन डी इज़ आल्सो कॉन्गोरेट विद दिस लाइन इट मीन्स कि ये तीनों लाइनें आपस में क्या होगी कॉन्गोरेट और इस हिसाब से हम ये कहेंगे तीसरा पॉइंट आपका ये होगा कि एन ए इज़ आल्सो कॉन्गोरेट विद एन सी और आप इसके ऊपर ज़रा लाइं आप देख सकते हैं कि फोर पॉइंट एट और वो भी फोर पॉइंट एट सो यहाँ पर आप लोग ईजीली कह सकते हैं अच्छा बल्कि चलें अगर आप लोगों में से किसी को इतराज़ हो तो मैं लाइन दोबारा से भी ड्रॉ करवा देता हूँ ताकि ये जो है ना बहुत एग्जैक्ट हो सके चलें अब देखते हैं आई विश के आप लोगों की ये जो लाइन है 4.8176 और 4.81 काफ़ी हद तक एकोरेट होगी ठीक है तो अब आपकी एन ए और एन सी कांगुरेंट प्रूव हो चुकी है बिकॉज ऑफ द पॉइंट वन एंड पॉइंट टू ठीक हो गया अब हम लोग क्या करने लगे हैं कि दो ट्राइंगल्स यहाँ पे बन रही हैं और उन दो ट्राइंगल्स को आपस में कंपेयर करने लगे हैं तो यहाँ पर अब दो ट्राइंगल्स हमारे पास बन रही हैं एक आ रही है बी एन ए या ए एन बी ए एन बी कह लें ट्राइंगल ए एन बी इज़ गोइंग टू बी वन और वन कंपेरिजन विद दिस ट्राइंगल विच इज़ एन सी बी ठीक है एन सी ठीक है बी एन सी बी एन ए इसका नाम है एन ए और इसका नाम है एन सी बी ठीक है अगर आपने इसको एन बी कहना है तो फिर आपने इसको कहना है सी एन बी अगर आपने इसको कहना है एन देन आपने इसको एन सी बी कहना है इनके तरतीब नाम की वही होनी चाहिए जो उस तरह खैर इस बात में हम नहीं जा रहे जो मर्ज़ी आपका दिल चाहे रखें मैं इसको एन ए बी और एन सी बी कह रहा हूँ वन टू वन को इन टू कंपेरिजन पहली चीज़ यहाँ पर ये कि आपके पास एन ए और एन सी दो तो बराबर होने चाहिए अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इस चीज़ पर इस टॉपिक पर यही बात की कि आपके ये जो दोनों हैं दिस मस्ट बी इक्वल और इसको भी हम वेरीफाई भी कर लेते हैं यहाँ से लेकर ये चीज़ चेक भी की थी और अगेन अब इस चीज़ को हम लोग वेरीफाई भी कर रहे हैं ठीक हो गया आप देख सकते हैं तो दोनों लेंथ्स जो हैं वो इक्वल आ रही हैं पहली चीज़ आपको पता लग गया पहली स्टेटमेंट क्या है एन ए इज़ कांगट विद एन सी और रीज़न क्या है प्रूफ्ड ऑलरेडी प्रूफ्ड दूसरी आपकी जो स्टेटमेंट है वो ये कि ए बी इज़ कांगट विद ए सी और ये इसकी रीज़न जो है वो बहुत ही मज़ेदार ए ए बी जो है वो कांगुरेंट है किससे ये लाइन और ये लाइन कांगुरेंट है बट क्यों कांगोरेंट है कोई बता सकता है इसको जानता है ये दोनों क्यों निकली क्योंकि स्टार्टिंग में ये चीज़ गिवन थी कि ए बी इज़ कॉम्बुनेट विद बी सी शायद आप बोल रहे हैं ज़रा इसको याद करें कि आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ बताई गई थी कि जो ए बी है वो और आपके पास ए बी और ए सी कांगट जब बना रहे थे तो मैंने कहा था ना कि आपने ए बी और बी सी कॉन्गोरेंट रखनी है क्योंकि गिवन है तो हमने सिक्स लेंथ तब दी थी और ये आप देख सकते हैं खैर इस ट्राइंगल में दो साइड्स जो हैं वो आपस में कॉन्गोरेन्ट प्रूव हो गई है तीसरी चीज़ जो है वो डेफिनेटली हम लोग यही चूज़ करेंगे सबसे ईजी डैट इज़ दी एन बी इज़ कांगोरेंट विद एन बी या बी एन इज़ कांगोरेन्ेंट विद बी एन ठीक है उसकी फ़ायदा ये होगा कि ये आप देख सकते हैं ये तो कॉमन है दोनों में वट एवर लेंथ इज थी बट दोनों में है तो इट इज़ कॉमन इसको हम लोग कुछ नहीं कहेंगे इसी हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं कि आपकी दो जो ट्राइंगल है एन ए बी यानी कि नीचे वाली ट्राइंगल ये वाली ट्राइंगल एन ए बी इस कांगोनेंट विद एन बी सी या एन सी बी ठीक है एन ए बी विद एन सी बी प्रूव हो चुकी है कांगोनेट विद पॉस्टुलेट कौन सा साइड साइड और साइड तीनों साइड हैं साइड 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 इज कांगोनेंट विद साइड 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 फाइनली चूँकि ये दोनों प्रूव हो चुकी हैं कॉन्गोरेट हैं तो हम ये फ़ाइनली इसका चेक कर लेते हैं इस हिसाब से अगर ये दोनों कॉन्गोरेट एंगल हैं तो ये जो एंगल है ये वाला इट मस्ट बी इक्वल्स टू दिस एंगल और आप इसके अंदर देख भी सकते हैं कि दोनों एंगल्स बराबर आए हैं और इसकी रीज़न क्या है कि एंगल वन इज़ एग विद एंगल टू बिकॉज इट इज़ द क्रॉस बॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कांगट ट्राइ एंगल्स और इस यही चीज़ आपने प्रूव करनी है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये अगर दोनों एंगल बराबर हैं तो वी कैन से डेट द लाइन सेगमेंट बी एन इज एक्चुअली द राइट और इज़ एक्चुअली द बाई सेक्टर ऑफ द ए बी सी विच इज़ द रिक्वायर्ड फॉर्म तो यही हमें रिक्वायर्ड था तो आज के लिए बस हम इसको इतने ही रखते हैं एक बार फाइनली आप इसको दोबारा नहीं देख सकते यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि जो बी एन है वो बाई सेक्टर निकला है ए बी सी का उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी और अगर आप लोगों को स्टेटमेंट्स और रीजंस अभी भी लिखने में मिस्टेक हो रही है या मसला आ रहा है तो आप लोग मुझे वो कर दीजिएगा आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा तो आप लोगों को इसके स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो नोट्स के पे इमेज वगैरह आप लोगों को सेंड कर देंगे ताकि तो आप लोग इसे देख के भी एग्जैक्टली मैच कर सकें जो मैंने बोला है नेक्स्ट टाइम इनशाला आपसे मुलाकात होती है दुआओं में याद रखिएगा टेक केरल